बिल्कुल ऐसा ही था वो औजा जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर से श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे। एबीपी न्यूज ने आफ्ताब के घर के करीब कई दुकानों में चाइनीज चॉपर मिलने की तफ्तीश की। हम ये जानकर चौंक गए कि सिर्फ 400 से 800 रुपए में चाइनीज चॉपर यहाँ के लगभग सभी बर्तन के दुकानों पर उपलब्ध था। ये आफ्ताब के घर के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित महरोली की मार्केट है, जहाँ पर एबीपी न्यूज़ ने जो है दुकानों में जा कर के चाइनीज़ चॉपर के बारे में खरीदना चाहा, जानना चाहा, और लगभग हर बर्तन की दुकान पर जो है वो चाइनीज चॉपर जो है वो आसानी से अवेलेबल था। साथ ही ये भी पता चला कि जिस आरी से उसने श्रद्धा के शव को काटा था वो आरी गुरुग्राम में ऑफिस के पास फेंक दी थी। अभी श्रद्धा का मोबाइल भी पुलिस को नहीं मिल सका है। आफ्ताब का कहना है कि उसने श्रद्धा का फोन मुंबई में समंदर में फेंक दिया था।